जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्रव्य के बारे में। मैटर, द्रव्य क्या होता है, इसी के बारे में आज ही चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं द्रव्य क्या है। तो द्रव्य की परिभाषा हम समझते हैं, जो चीज स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, भार होता है, उसे ही हम द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे जो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, कुछ भी हो गया, हमारे भोजन से लेकर जहां हम सोते हैं, जो सारी क्रिया करते हैं, जिस मोटरसाइकिल पर चलते हैं, वो सारे द्रव्य भी कहलाते हैं, क्योंकि उनका कुछ भार होगा और कुछ वो आयतन, मतलब उनका कुछ भार होगा और वो कुछ स्थान घेरती है। जैसे मेज है, तभी मेज मेज का कुछ भार होगा, होगा भार और वो कुछ स्थान भी घेरेगी। तो उस जो स्थान घेरे और जिसका कुछ भार हो, उसे क्या बोलेंगे, द्रव्य। अब समझते हैं द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है। द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्योर सब्सटेंस। सेकंड क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस और मिश्रण। तो प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ और इम्प्योर सब्सटेंस अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ को मटेरियल बोलते हैं, लेकिन जैसे टेक्निकल भाषा में, टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, सब्सटेंस ना। जैसे हम उसको और मतलब मटेरियल बोल सकते हैं, लेकिन सब्सटेंस बोलने में लगे हाँ भाई कुछ है, वैसे शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस। प्योर मतलब वैसे नहीं होता है, शुद्ध। तो प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर मिश्रण। आप समझते हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, इसको पहले हम समझते हैं, इसको शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व यौगिक। तत्व को क्या बोलेंगे, एलिमेंट। यौगिक को क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तत्व क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अयौगिक को कंपाउंड। तो तत्व को पहले समझ लेते हैं, तत्व क्या है। तो तत्व है जिसका हम खंडन ही ना कर सकते किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम जैसे उसकी परिस्थिति बना ले, लेकिन हम उसका खंडन ना कर सके, उसे ही हम तत्व बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे तत्व पदार्थ है जो किसी भी रीति से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों से विभाजित नहीं किए जाते। तत्व है जो किसी भी रीत से उनको हम विभाजित नहीं कर सकते, उन्हें हम तत्व बोलते हैं। जैसे लोहा है, कापर है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, ये सारे तत्व हैं। लोहा को हम पकड़ सकते हैं, लोहा को हम चाहे जैसे परिस्थिति ला दें, उसको हम तोड़ नहीं सकते, वो तत्व है। ये जो परिभाषा दी थी, इसको रॉबर्ट बॉयल ने दी थी 1660 और ये परिभाषा अब भी मान्य है। और सेकेंड क्या है, यौगिक यानी कंपाउंड। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को जो हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, यौगिक। जब किसी हम पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाए हैं, तो उसको हम यौगिक बोलते हैं, और इंग्लिश में कंपाउंड। जैसे H2O, CO2। तो H2O में क्या है, H2O में हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक, दो अनुपात एक, मतलब दो और एक का अनुपात है, उसे हम यौगिक बोलेंगे। मतलब जिसको हम अनुपात में या जिसको हम मात्रा में लेकर मिलाएं, किसी अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में लेकर मिलाएंगे, तो उसे हम यौगिक बोलेंगे। अच्छा, यही H3O कर दें तो ये हमारा नहीं बनेगा, तो इसको निश्चित अनुपात में लेकर मिलाना पड़ता है। अब हम समझते हैं सामांगी द्रव्य क्या होता है। समांगी द्रव्य के अंतर्गत आते हैं तत्व, यौगिक, समांगी, मिश्रण। समांगी द्रव्य क्या है, जिसमें जो पदार्थ मिले हैं, जो द्रव्य मिले हैं, वो सारे एक समान हो, उन्हें क्या बोलेंगे, समांगी द्रव्य, होमोजेनियस। ऐसे समांगी मिश्रण बोलते हैं। समांगी मिश्रण क्या है, जो उसमें कण मिलेंगे, जो उसमें पदार्थ मिलेंगे, वो सारे समान होंगे,
उसमें जिसे हम समान मतलब इसमें जिसे हम उसको अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते भौतिक विधियों द्वारा। अभी अगर आपको चीनी पानी, चीनी और पानी का घोल देंगे यानी शरबत, शरबत आपको दे देंगे तो आप चीनी से पानी अलग कर लेंगे, तभी नहीं कर पाएंगे भौतिक विधियों द्वारा, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। और ये पता भी नहीं चलता कि इसमें चीनी है, आप शरबत देख कर नहीं बता सकते कि इसमें चीनी है, अर्थात जो चीनी कण है वो पानी में एकदम घुल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है, तो विषमांगी मिश्रण में जो पदार्थ है, जो हम जिस पदार्थ को घोलेंगे वो सब दिखाई देते रहेंगे, जैसे अभी हम चावल ले लें ना, प्लस गेहूं प्लस आटा, तो इसको हम अगर अलग अलग करना चाहें कर लेंगे, चावल को जैसे बिन लेंगे, आटा को पंखे से मतलब उड़ा देंगे, गेहूं बच जाएगा, या गेहूं को बिन लेंगे, चावल को पंख आटा को उड़ा देंगे, चावल बच जाएगा, मतलब हम तीनों को अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, चावल प्लस गेहूं प्लस आटा, ये क्या हुआ, बीसमांगी मिश्रण, और ये ऊपर वाला समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब हम कुछ समझेंगे तत्व, ये आपने समझ लिया। अब एक बार फिर से, द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, दो, तत्व तो शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ, तत्व शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, दो, तत्व यौगिक और अशुद्ध पदार्थ को, अशुद्ध पदार्थ मतलब वही अशुद्ध पदार्थ मिश्रण, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी विषमांगी। तो अशुद्ध पदार्थ को ये समझ लीजिए उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण, ये समांगी तरफ विषमांगी आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं यौगिकों में अंतर क्या होता है, मतलब यौगिक, और अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। अब हम समझेंगे यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है। तो हम समझते हैं यौगिक को अनुपात, यौगिक को एक अनुपात में बनाते हैं, किसी यौगिक को हम अनुपात बनाएंगे, मिश्रण को अनुपात की जरूरत नहीं, चाहे जो चाहे जितना मिला हो, तो जो चाहे जितना मिला मिलेगा मिश्रण, चाहे जो मिला हो चाहे जितना मिला हो मिश्रण। क्रिया, इसमें क्रिया नहीं होती, मतलब ये जब बनते हैं तो एक रासायनिक क्रिया के द्वारा बनते हैं, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं होती, ये सब मिलके बन जाएगा। जैसे भी हम यहाँ H2 रखे प्लस O रखे तब ये यौगिक बन जाएगा, लेकिन इसमें यौगिकों मिल जाएगा, तत्व मिल जाएगा, सब मिला के एक मिश्रण बनेगा। अब समझते हैं अवयव, इसमें क्या होता है, जो उसके अवयव होते हैं उसके समान इसकी संरचना नहीं होती, जैसे अवयव मतलब उसमें जो कण मिले हुए हैं वैसे। अब समझते हैं, जैसे H2O है, H2 प्लस O, ये क्या है, H2 हाइड्रोजन है, वो क्या है, ऑक्सीजन। मतलब इन दोनों को जब हम मिला देंगे, प्लस कर देंगे, तो जो पदार्थ बनेगा वो कैसा होगा, तो जो पदार्थ बनेगा वो इसके जैसा नहीं होगा, लेकिन मिश्रण में क्या है, मिश्रण में इसको मिलाओ तो मिलेगा, अनिश्चित अनुपात मिलेगा नहीं, तो सब जैसे यह एक है तो वो एक कर दे, यहाँ गेहूं आटा चावल सब मिला दे। अच्छा, वो जो भीख मांगने आते हैं वो अपने झोली ना, उन्हें दाल चावल आटा सब मिला रहता है, तो क्या हुआ, मिश्रण। आप इसको समझते हैं कि इसको H2O को भौतिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसको मिश्रण को हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, मतलब उसको अब सब गेहूं वेहूं मिला है तो उसको हम एक मिल लेंगे उष्मा। तो उष्मा के लिए समझते हैं, जैसे हम किसी यौगिक को बनाएंगे तो उसमें या तो उष्मा देनी पड़ेगी या तो उष्मा ग्रहण होगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है,
उसमें या होगी उसमें तो बहुत थोड़ा, और एक समांगी द्रव्य है, समांगी द्रव्य है, समांगी मिश्रण है, एक सेकंड रुकेगा। हाँ तो एक समांगी द्रव्य है और ये मिश्रण जो है दो प्रकार का होता है, कौन कौन, समांगी विसमांगी। बस हो गया, अब हम अगले दिन आपको कुछ नया बताएंगे। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।